नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जातक कथाओं के असीम भंडार से एक जातक कथा, महिला मुख हाथी। तो चलिए मैं सुनाता हूँ आपको यह जातक कथा। आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, यह कहानी अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एक राजा के अस्तबल में महिला मुख नाम का एक हाथी रहता था, जो बहुत ही सौम्य था तथा अपने महावत के लिए परम स्वामी भक्त और आज्ञाकारी भी था। एक बार अस्तबल के पास ही चोरों ने अपना अड्डा बना लिया। वे रात बिरात वहाँ आते और अपनी योजनाओं और अपने कर्मों का वखान वहाँ करते। उनके कर्म तो उनकी क्रूरता दुष्कर्मों के परिचायक थी ही। कुछ ही दिनों में उनकी क्रूरताओं की कथाएँ सुन सुनकर महिला मुख की प्रवृत्ति भी वैसे ही होने लगी। चोरों की संगत में रहकर, चोरों की बातें सुन सुनकर वह चोर जैसे ही सोचने लगी थी। अब वह सौम्य और शिष्ट नहीं रही थी। एक दिन उसने चोरों जैसे ही क्रूरता को अपने मन में बैठाकर अपने ही महावत को उठाकर पटक दिया और उसे कुचलकर मार डाला। उस सौम्य हाथी में आए आकस्मिक परिवर्तन से सारे लोग हैरान परेशान हो गए। राजा ने तब महिला मुख हाथी के लिए एक नए महावत की नियुक्ति की। उस हाथी ने उस नए महावत को भी वैसे ही मार डाला। इस प्रकार उसने उसके बाद वाले भी चार महावतों को मार डाला। इस प्रकार कुल मिलाकर उसने 6 महावतों की हत्या कर दी। एक अच्छे हाथी के बिगड़ जाने से राजा बहुत चिंतित था। उसने फिर एक बुद्धिमान वैद्य को बुला भेजा और महिला मुख को ठीक करने का आग्रह किया। वैद्य ने हर तरह से हाथी और उसके आसपास के माहौल का निरीक्षण करने के बाद ये पाया कि अस्तबल के पास ही चोरों का एक अड्डा था और महिला मुख हाथी उनके दुष्कर्म की, उनकी क्रूरताओं की कहानी सुन सुनकर उनके जैसा ही होने लगा। बुद्धिमान वैद्य ने तत्काल ही राजा से उस अस्तबल को कड़ी निगरानी में रखने की और चोरों के अड्डे की जगह संतों को सत्संग के लिए बुलाने का अनुरोध किया। राजा ने बुद्धिमान वैद्य के सुझाव को मानते हुए वैसा ही करवाया। संतों की वाणी सुन सुनकर महिला मुख भी संतों जैसा अब व्यवहार करने लग गया, क्योंकि अब वहाँ चोर नहीं आ रहे थे, अब वहाँ संत लोग आ रहे थे, विद्वान लोग आ रहे थे। उसकी बातें सुनकर महिला मुख हाथी के दिमागी हालत में सुधार होने लगा और वह कुछ ही समय के पश्चात पूर्व की स्थिति में आ गया। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने वैद्य को प्रचुर पुरस्कार देकर सम्मान से विदा किया। मित्रों, यह कहानी हमें सीख देती है कि हमारी संगत का, हमारे वातावरण का, हमारे आस पड़ोस का हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आसपास के वातावरण को, अपनी संगत को, अपने माहौल को दरकिनार करके स्वयं का जीवन जीते हैं। यह बहुत मुश्किल हो पाता है। हम अपने वातावरण से, अपने आस पड़ोस से, अपनी संगत से प्रभावित होते ही हैं। इसीलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा आसपास का वातावरण कैसा है, हमारी संगत कैसी है, हम जिन लोगों के साथ में उठ बैठ रहे हैं उनका व्यवहार कैसा है, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक हो रहा है कि नकारात्मक हो रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो महिला मुख हाथी की कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए, अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, जिससे हमारे मन मस्तिष्क में भी अच्छी चीज़ें ही प्रवेश करेंगी और हम अच्छा व्यवहार भी करेंगे। दोस्तों, महिला मुख हाथी की यह कहानी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जुड़े रहने के लिए, कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।